ठीक है, तो अभी मैं और उसके साथ और एक बात समझिए कि इसका फेवर बिल्कुल ठीक है, फिर भी हाँ गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तरुण दीपंकर, और मैं भी करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तरुण दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और मैंने कुछ चीज परचेज किया है मेरे सारे बार्स के लिए, और ये तो मतलब A19 का दो कंटेनर है 3 किलो का, और जो मैं हमेशा से मेरे सारे बार्स को हैंड फीडिंग कराने के लिए परचेज करता हूँ। ये भी एक कंटेनर है, और इसके साथ ये एक हैंड फीडिंग फार्मूला मैं नया लेके आया हूँ। ये लो फैट का है, जैसे A19 होता है हाई फैट का हैंड फीडिंग फार्मूला, A19 और भारतीय लड़का का A21 भी मिलता है, वो लो फैट का है। अभी तो फिलहाल A21 अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है, तो डेली नेचर का लो फैट मतलब A21 जैसे काम करते हैं, डेली नेचर का ये वाला जो हैंड फीडिंग फार्मूला है ये मैंने परचेज करके लेके आए हैं। एक्चुअली सनकॉर्नियर, अफ्रीकन ग्रे पैरट, उन सब का चीज को हैंड फीडिंग कराने के लिए हाई फैट वाला जैसे A19 ऐसे ही होता है, और कॉकाटू, पाइन एपल कॉर्नियर, मोंग पैराकीट, अमेजन पैरट और कॉकाटेल, बेबी छोटा कॉकाटेल को अगर आप हैंड फीड कराएंगे तभी लो फैट वाला A21 भी हो सकता है भारतीय लड़का का, और वो नहीं मिल रहा है तो डेली नेचर ये भी आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले तो मैंने यूज नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है, देखेंगे बाद में। इसके साथ और एक चीज जो परचेज किया है भारतीय लड़का का ओरो बैग, किसी भी कारण के लिए अगर आपका बाघ का फेदर गिर गया है मतलब पूरा गंजा हो गया किसी भी जगह में, बहुत सारा वीडियोस के नीचे मैं कमेंट देखता रहता हूँ कि पूरा फेदर झर गया, फेदर तार नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए उसके लिए बहुत सारा तरीका होता है, किसी भी कारण से फेदर क्यों ना झरे, वो फेदर प्लाकिंग करके गिराया या ऐसे ही नेचुरली वो गिर गया, किसी भी कारण के लिए ओरो बैथ आप यूज़ करेंगे भारतीय लड़का ब्रांड का ओरो बैथ, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही जल्दी फिर से सारे फेदर्स आ जाता है। ये काफ़ी महंगा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो जो एलोवेरा होता है उसका जो पेस्ट बना के आप जहाँ से फेदर झड़ गया है वहाँ आप लगा भी सकते हैं। मैं भी ऐसे पहले करता था, मेरा एक पैर गाला कॉकाटू है उसका जो मेल है उसका बहुत सारा फेदर, मतलब मैंने जब उसे लेके आया था तभी से उसका फेदर नहीं था, और एलोवेरा से इतना दिन ट्रीटमेंट किया बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमको मिला। फिलहाल अभी इसको परचेज करके लेके आया है, और ये जो ओरो बैथ है ये 300 ग्राम्स का है, 300 ग्राम्स के लिए जो प्राइस यहाँ लिखा है 1500 रुपया, 300 ग्राम का प्राइस आ रहा है 1500 रुपया। देख लेता हूँ एक बार, यही है ओरो बैथ। तो चलिए आज इसका यूज करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि इसका सही यूज कैसे किया जाता है। तो ओरो बैथ को यूज करने का जो तरीका होता है एक बार मुंह से बता देता हूँ, पहले समझने में आसान हो जाएगा। 250 ml वार्म वाटर के साथ हल्का गुनगुना गर्म पानी 250 ml आपको लेना है, उसके साथ 1 ग्राम ओरो बैथ, 1 ग्राम ओरो बैथ मिक्स करना है, करके आप 3 बार को स्प्रे कर सकते हैं। 250 ml हल्का गुनगुना गर्म पानी के साथ 1 ग्राम ओरो बैथ आपको मिक्स करना है, और वही मिक्सचर को आप तीन बार को आप स्प्रे कर सकते हैं, 3 बार का ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं, और ये हफ्ते में 2 बार आपको करना पड़ेगा, ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार, ठीक है। मतलब पहले आपको जो करना है 250 ml 250 ml पानी लेना है, उसको थोड़ा सा वार्म गरम कर लेना है, हल्का गुनगुना गरम कर लेना है, उसके साथ 1 ग्राम ओरो बैथ पाउडर मिक्स करना है, और उसे ऐसे बोतल में डाल के, स्प्रे बोतल में डाल के ऐसे करके आपको स्प्रे करके देना है, और हफ्ते में आपको 2 बार करना है ये प्रोसेस, 2 बार, एक हफ्ते में 2 बार करना है। तो पहले हम लोगों को जो करना है 250 ml 250 ml पानी ले लेना है, और ये 12 ml का सिरिंज है, मतलब 21
21 सिरिंज पानी हम लोगों को ले लेना है। हो गया 21, मतलब ये हो गया हम लोगों का 250 ml, 250 ml वाटर। इसको अभी हल्का गुनगुना गर्म कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। हो गया, हो गया, हो गया है हल्का गुनगुना गरम। 1 ग्राम ऑरोवेथ ले लेना है। एक अंदाज से मैं ले लूँगा कि शायद 1 ग्राम हो जाएगा, हाँ इतना सा चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ डाल दिया और इसको अच्छे से इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। और अभी इसको थोड़ा सा हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसे ऐसे करके। तो हो गया है हम लोगों का मिक्सिंग का काम, और पानी का कलर देखिए लाइट ग्रीन सा हो गया। और अभी इस स्प्रे बॉटल में गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरा, शाबाश, 1 ड्रॉप भी बाहर नहीं गिरा एंड तक, वाओ, आखिरी ड्रॉप तक अंदर ही गिरा। ठीक है, और अभी इसको लगा देते हैं। तो चलिए उस कॉकाटू का पास और स्प्रे करते हैं। अभी तो सिर्फ मेरे पास एक ही है, लेकिन अब ये जो मिक्सर मैंने बनाया है ऐसे करके 250 ml हल्का गुनगुना गर्म पानी के साथ 1 ग्राम ऑरोबैथ मैंने मिक्स किया, यही स्प्रे को, मतलब ये जो क्वांटिटी का पानी है 3 बार्स का ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास तो एक ही है, उन पर ही करेंगे। और इनको कंटिन्यू करना है दो दिन हफ्ते में। और यही हम लोग थे यहाँ वो गाला कॉकाटू मैंने रखे हैं। चलो, और ये थोड़ा सेम है, ये नीचे आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ नीचे आ जाएगा। चलो, कम ऑन, और ये बहुत अच्छा टॉकिंग भी करते हैं, गुड, स्टेप अप, गुड। चलो यहाँ बैठ जाओ, गुड। और इतना दिन तो मैं एलोवेरा से, मतलब लगा के बहुत पहले, अगर आपने मेरा इसका पहले वाला वीडियो देखा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही मतलब क्या कहूँ, एकदम बिल्कुल फेदर नहीं था। अभी ये देखिए गर्दन पे बहुत सारा फेदर तो आ चुके हैं, और अभी जो करना है ऐसे करके स्प्रे कर लेना है। क्या हो गया, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को कहना पसंद करूँगा कि ये अगर उन लोगों का मुंह में जाए, शरीर के अंदर चला जाए, तो ये उतना हार्मफुल नहीं है, मतलब आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये जब आप स्प्रे करेंगे तो वो थोड़ा बहुत उनका शरीर के अंदर जाएगा, लेकिन वहाँ टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई हार्मफुल नहीं है। अगर पेट में चला भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। और उसके साथ और एक बात समझिए कि इसका फिगर बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसको प्रे करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं। देने से और भी फायदा होगा कि उसका फिगर का जो ग्लो है, जो साइन है, और भी साइनी हो जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है, आप सारे बार्ड को मंगाओ, सारे बार्ड को, सिर्फ छोटा उम्र का बार्ड को, जैसे अभी अभी सेलिब्रेटिंग हुआ है, इस एज का किसी बार्ड को मत दीजिएगा, ताकि ठंड लगने का चांस रहता है, डर रहता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं, आप आराम से सारे बार्ड को दे सकते हैं, जिसका फेदर झर रहा है झर गया है, जिसका नहीं झरा है सब पर, जिसका झर गया है उसका फेदर आने का बहुत ही जल्दी आने का चांस रहेगा,
और जिसका फिगर नहीं जरा उसका मतलब फिगर का जो साइन है, जो साइनिंग है, जो ग्लो है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे करके आप पूरा नहला दीजिएगा, पूरा नहला दीजिएगा, और हफ्ते में 2 बार करना है, ट्वाइस इन ए वीक। और थोड़ा सा तो रह गया, और टाइम टू टाइम इन लोगों का प्रोग्रेस तो आप लोगों को दिखाता रहूँगा, वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने थोड़ा फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। और तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।